Hello friends, welcome once again to ANGLODICTU. This is Pranesh Kumar Mishra explaining for class 10, 11th, 12th or whenever you write any writing, a story or whatever writing pieces is that, how to get full marks there. क्या हमें आश्चर्य नहीं होता कि कोई कोई बच्चे पूरे मार्क्स ले आते हैं राइटिंग स्किल्स में, तो हमें लगता है कि राइटिंग स्किल्स उनके लिए इतना ईजी क्या है, क्यों है? क्या वो जीनियस है? नहीं, जीनियस आप भी बन सकते हैं. जस्ट कीप दिस items in your mind, these references in your mind, these ideas in your mind, and you can also get absolutely full marks, unbelievably, but full mark in your all writing skills. How to do it? Let's start. Today we'll talk about article, story and value based questions. But before I go there, I have to tell you some theoretical part related to writing skills. So let's go through it quickly. First of all, I have written coherence and cohesion, two words, coherence and cohesion. And both of them are a must for your writing skills. So how coherence and cohesion will help you in writing skills, you know. Before that, what is coherence? Coherence is a very general principle of interpretation, समझ, of language in context. जब आप किसी passage को पढ़ते हो, लिखे हुए चीज़ों को पढ़ते हो, तो उसमें से आपको coherence ढूंढना है. Fewer formal linguistic features होता है ये. Vocabulary का choice होता है ये. Relationships deals with text as a whole होता है. So what is coherence? Text as a whole. Text as a whole. So coherence is a text as a whole. What is coherence? Text as a whole. And for that you get full marks. When you ask yourself to write complete answer, and when your examiner want to know that you know the points well or not, you are aware of that topic or not, you can't cheat them by writing anything, you better know. So you have to write the text as a whole. As a whole means complete answer. If they are asking about an elephant, you cannot say about a cat. So let's see what is coherence and cohesion. You might have seen bricks. I have taken two examples here, one wall and then some bricks kept together. तो देखो, ये सारी ईंटें रखी हुई है एक जगह पे. तो एक जगह पर सारी ईंटें तो रखी हुई है, इसमें कोहेशन तो है लेकिन कोहेरेंस नहीं है. और इस एग्जाम्पल में ईंट की ही बनी हुई दीवार है लेकिन इसमें कोहेरेंस है. तो हम थ्योरी पार्ट में जाकर डायरेक्ट समझ लें कि आपके लाइंस, आपके वर्ड्स, आपके पैराग्राफ्स लिखे तो हैं आपने, लेकिन लिखे हैं, साथ में है भी, सब कुछ है, फिर पापा मम्मी मैंने अच्छे से लिखा था फिर भी मुझे फुल मार्क्स नहीं मिला, क्यों? क्यों मिलेगा आपको? आपने लिखा तो था लेकिन वैसे नहीं लिखा था जैसे आपका एग्जामिनर चाहता था, जैसे आपका क्वेश्चन का मूड था. तो चलो देखते हैं कि इसकी बनावट संरचना क्या होती है और हम क्यों लिखते हैं. देखो यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट लिखा है, ए आर वी. तो एक इस पॉइंट में तीन बातें हैं. पहला है ऑथेंटिक. जो भी आप लिखो ऑथेंटिक लिखो, इधर उधर की बेकार के एग्जाम्पल्स उस टॉपिक में हम ना दें. पहले हम क्वेश्चन ठीक से पढ़ें कि वो चाहता क्या है, फिर आपका आंसर रिलायबल हो. अब आपके आंसर को पढ़ के लगे कि नहीं आपने टेक्स्ट पढ़ा है, यू हैव गोन थ्रू द टेक्स्ट. आप टेक्स्ट को पढ़े हो, ये आपको लगना चाहिए एग्जामिनर को कि आप टेक्स्ट पढ़े हो, आपका आंसर रिलायबल है. और दूसरी बात है कि आपका आंसर वैलिड होना चाहिए. यही बात क्वेश्चन सेटलर के लिए भी होता है. जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं उनसे भी ये कहा जाता है
कि आपका क्वेश्चंस ऑथेंटिक होना चाहिए, आपका क्वेश्चन रिलायबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चैप्टर, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट. टेक्स्ट इज मेन थिंग, टेक्स्ट इज ए टूल. ओके, दिस टूल माइंड माई लैंग्वेज. देखो टेक्स्ट जो होता है ना, टेक्स्ट जो आपको स्टोरी या कुछ भी दिया जाता है, तो टेक्स्ट को टूल के रूप में यूज़ करते हैं क्वेश्चन बनाने वाले भी और आंसर देने वाले को भी करना चाहिए. तो हम आंसर देने वाले हैं जी स्टूडेंट, तो हम टेक्स्ट को टूल के रूप में यूज़ करें, क्योंकि वो भी टेक्स्ट को टूल के रूप में यूज़ करके क्वेश्चन बनाया उसने. तो हम देखें कि वो अपने क्वेश्चन में ऑथेंटिक हैं, वो अपने क्वेश्चन में रिलायबल हैं, वो वैलिड क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है किसी भी सब्जेक्ट का और किसी भी चैप्टर का वैलिड क्वेश्चन उसने पूछा है, रिलायबल क्वेश्चन पूछा, ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछा है. तो आपका आंसर भी ऑथेंटिक, रिलायबल और वैलिड ही होना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. एक और लाइन मैंने बोल्ड में यहाँ लिखा है, देखो, एक्चुअल प्रैक्टिस फॉर एग्जाम, डोंट लर्न द प्रोडक्ट. हम क्या करते हैं कभी कभी कि रटंत क्वेश्चन एंड आंसर को याद कर लेते हैं. डोंट लर्न द प्रोडक्ट, डोंट बी पुल पैरट, डू द प्रोसेस, प्रोडक्ट मस्ट कम. तो हम केवल घी का यूज न करें बल्कि चर्निंग आउट सीख लें कि दूध से घी निकला कैसे. तो चूंकि हमें घी निकालना है, रिजल्ट निकालना है, तो हम घी को देख करके केवल आश्चर्य में न पड़े कि अरे वाह, इस ग्वाले को तो भाई बड़ी अच्छी विद्या है और ये कैसे घी निकाल लेता है पता नहीं. तो कैसे निकाल लेता है नहीं, बस वो क्या है ना कि एक प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट, कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आप जाएंगे तो आप आसानी से आप भी घी निकाल सकते हैं. तो प्रोसेस क्या है कि पहले तो आपके पास, देखो मैंने प्रोसेस को यहाँ बनाया, ड्रॉ किया है, आप इस डायग्राम से आसानी से समझ जाओगे. देखो स्पेलिंग्स, तो आपके पास स्पेलिंग सही होना चाहिए, वोकेबलरी ढेर सारा होना चाहिए. वर्ड्स आर पावर इट इज सेड, तो व्हेन यू हैव नो पावर देन हाउ विल यू अप्लाई द फोर्स. तो वर्ड्स, आपके पास बहुत सारा वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए, और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा रीडिंग से, लॉट्स ऑफ रीडिंग से. तो रीडिंग मेक्स ए फुल मैन. आपने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होगी कि आज भी महान लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, कम से कम आधा घंटा एक घंटा सब लोग पढ़ते हैं जो अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं. तो रीडिंग से वर्ड्स आता है, क्योंकि वर्ड्स आप जब फंक्शन में देखोगे तभी आपको वर्ड्स याद आता है. ऐसा नहीं कि आप लिस्ट बना के याद कर लिए तो आपको वर्ड्स बहुत दिनों के लिए याद हो जाएगा. तो जब आप रीडिंग करते हैं तो वर्ड्स को कैसे देखते हैं, फंक्शन में. और जब वर्ड्स को फंक्शन में देखते हैं, जैसे एक आदमी है जो गला काट रहा है, हाथ काट रहा है, पॉकेट काट रहा है, मतलब क्या है, वो चोर है, डकैत है? नहीं, टेलर ही हो सकता है, क्योंकि आपके शर्ट का गला और कॉलर काट रहा है. तो चलो पॉइंट पर आते हैं. तो सेकंड पॉइंट है ग्रामर. ग्रामर क्या होता है, व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर इज वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर. तो वर्ड को आपको ऑर्डर में रखना आता है कि नहीं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने सीखा है कि नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप करवा सकते हो कि नहीं. तो ग्रामर भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बेसिक ग्रामर, और आपके कोर्स में लिखा होता है, सिलेबस हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए कि योर LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ओके, एंड देन रीडिंग, दिस फोर स्किल्स मस्ट बी प्री रिक्विजिट. तो आपसे मांगा जाता है पहले से कि भाई आप मैट्रिक कर रहे हो तो आपको पढ़ा हुआ कुछ समझ में आना चाहिए, कुछ लिखा हुआ तो पढ़ के समझ में आना चाहिए, आपको लिखने आना चाहिए बेसिक इंग्लिश, और साथ ही साथ आप कुछ सुनते हो तो आपको समझ में आना चाहिए, और फिर उस पर अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, यानी स्पीकिंग पार्ट आना चाहिए. तो मैंने आपको चार स्किल्स की चर्चा की, LSRW, लिसनिंग, ओके, आई एम ड्रॉइंग हियर ईयर, लिसनिंग, एंड देन स्पीकिंग, एंड देन रीडिंग, एंड देन राइटिंग. अब आप देखो, कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले क्या करता है, लैंग्वेज को लिसन करता है, और लिसनिंग करने के बाद वो फिर उसको सुनने के बाद, एक साल तक बच्चा नहीं बोलता तो माँ बाप घबराते हैं कि भाई क्यों नहीं बोल रहा है, एक साल का हो रहा है. तो फिर सुनेगा, स्टोर करेगा, तभी तो बोलेगा, तो बोलना शुरू करता है, फिर खुद से कुछ ऑब्जर्व करना, रीडिंग करना शुरू करता है, और तब सबसे आगे जा कर के वो कुछ खुद का क्रिएशन यानी राइटिंग करने लगता है. तो हम पॉइंट पे आ जाएं. पहला पॉइंट था हमारा स्पेलिंग और वोकैब्स हमारे पास, ग्रामर हो हमारे पास, बेसिक ग्रामर कम से कम हमारे पास हो, टेंस वॉइस वगैरह हमारा ठीक हो, वोकेबलरी हो, हम उसको सेट करना जाने, और फिर कंटेंट क्या होता है उसको समझें, ये क्वेश्चन में किस कंटेंट को माना गया है और किस टोन में मांगा गया है, क्या वो निगेटिव टोन है, पॉजिटिव टोन है, कैसे है. निगेटिव टोन है तो ढेर सारे निगेटिव वर्ड्स चाहिए, एडजेक्टिव्स चाहिए,
है ना, जैसे नेगेटिव चीज़ें लिखना है तो क्रोज चाहिए, पॉइजन ट्री चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टोन लिखना है तो स्टार्स चाहिए, रिवर्स चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, रोजेज चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू टोन आप वोकेबलरी भी चूज करते हो। इसके बाद आता है कोहेशन। कोहेशन में क्या है कि आपके पास मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, वो अरेंज्ड हो या नहीं हो लेकिन आपके दिमाग में वो आइडियाज़ होना चाहिए। और लास्ट में हम आते हैं कोहेरेंस में। कोहेरेंस क्या होता है कि टेक्स्ट एज ए होल, कोहेरेंस क्या होता है, टेक्स्ट एज अ होल। तो ऐसे तो इसका बहुत व्यापक अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है कोहेरेंस का, और ये हर चीज़ों में लागू होता है, लेकिन यहाँ हम चूँकि राइटिंग स्किल्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, टेक्स्ट एज ए होल। दूसरा जो एक और पॉइंट है, कहीं आप इसको पढ़े भी होंगे, कोडर। कोडर कलेक्ट आइडियाज, ऑर्गेनाइज आइडियाज, ड्राफ्ट आइडियाज, एडिट आइडियाज, एंड देन फाइनली रीड इट बिफोर यू सबमिट योर पेपर टू योर एग्जामिनर इन एग्जामिनेशन हॉल। तो पहले तो आपका जो टॉपिक आर्टिकल का मिलता है, स्टोरी का मिलता है, या स्टोरी का तो स्टार्टिंग भी वो दे देते हैं, तो उस पर आप क्या करते हो, आइडिया का कलेक्शन करते हो। जैसे एक बुढ़िया है एक बच्चे के साथ कहीं जा रही है, तो अब आगे क्या हो सकता है, आप आइडियाज़ कलेक्ट करते हो स्टोरी में, फिर उसको आइडियाज़ को आप ऑर्गेनाइज़ करते हो, थीम के अनुसार उसको सेट करते हो। क्या सेट करते हो, स्टार्टिंग है ना, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, एंड देन एंटी क्लाइमैक्स, एंड द एंड, ये सब आप सेट करते हो कि क्या स्टार्टिंग होगा मेरा, क्या टर्निंग पॉइंट होगा स्टोरी में, कहाँ स्ट्रगल होगा, क्या क्लाइमैक्स देंगे स्टोरी में, और फिर क्या सॉल्यूशन होगा, और फिर क्या द एंड होगा। तो ये आप सेट करते हैं, उसके बाद आप उसको ड्राफ्ट करते हो। ड्राफ्ट करने के बाद फिर आप एडिट करते हैं, कहीं दो बार दर लग गया है, कहीं ऑन की ज़रूरत है छूट गया है, कहीं कुछ छूट गया है, कहीं ऐसा होना चाहिए था, नहीं नहीं ये होना चाहिए था। तो अभी जब आप एडिट करो, ड्राफ्ट कर लिए, तो ये क्या हो गया, ड्राफ्ट करने के बाद तक ये कोहेशन में है, और फिर आप एडिट करके उसको और रीडिंग करके कोहेरेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तो ये कोहेशन में, और जब आप उसको एडिट कर लिए तो कोहेरेंस उसको मिल गया, और तब आपका एग्जाम पूरा संतुष्ट होगा, और जब पूरा संतुष्ट होगा तो वह नंबर काटेगा कहाँ, नंबर छीना जाता है दोस्तों, नंबर को सरेंडर नहीं किया जाता है। तो आप अगर कोहेरेंस में राइटिंग करेंगे, यानी कि आप एज ए होल बनाएंगे, तो आपका कोई नंबर काट ही नहीं सकता। आपके पास फॉर्मेट होगा, आपके पास कॉन्टेक्स्ट होगा, आपके पास ग्रामर होगा यानी पंक्चुअलिटी होगी, नंबर कहाँ से काटेगा, क्यों काटेगा, कैसे काटेगा, यू हैव टू चैलेंज दिस फर्स्ट टू यू, नॉट टू एग्जामिनर। एंड देन दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हाट, कोहेशन, बिकॉज अंटिल देर विल बी ब्रिक्स हाउ कैन अ वॉल बी कंस्ट्रक्टेड। तो दो थ्योरी होता है, कंस्ट्रक्शन एंड डिकंस्ट्रक्शन। या तो आप इसको बनते देखेंगे तो सीखेंगे कैसे बना, या तो इसको आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कि ये कैसे बना। तो कंस्ट्रक्शन करो या डिकंस्ट्रक्शन करो, जो भी करो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस। जब तक आप प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, और अगर प्रोडक्ट को आप समझेंगे नहीं केवल रटेंगे, तब तक वो आपके ऊपर एक बोझ होगा, और भूलने का हमेशा डर होगा, और ताश के मकान जैसा, कैसल जैसा, और सैंड कैसल जैसा कभी भी नीचे गिर जाने के उसके चांसेस होंगे। अब हम डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा है क्लास 10 इवेल्यूएशन एंड मार्किंग लैंग्वेज एंड लिटरेचर से मैंने इसे लिया है, तो मैं यहाँ आपको तीन एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो आर्टिकल फॉर 8 मार्क्स, जिसमें फॉर्मेट क्या होता है, एक नंबर का होता है, 1 मार्क का। एंड देन इसमें क्या होता है, फॉर्मेट में क्या आ गया, 1 मार्क में क्या हो गया, इसका डिवीजन क्या है, आधा आधा मार्क्स का, यानी कि आधा मार्क्स का होगा आपका टाइटल और आधा मार्क्स का होगा नेम ऑफ द राइटर। उसके बाद क्या वो चाहेंगे कि आप उसको एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेशन, सिंस यू हैव रिक्वेस्टेड दिस वीडियो इन हिंदी, सो आई एम स्पीकिंग इट इन हिंदी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर फॉर योर L1 लैंग्वेज, 1 इज हिंदी, थैंक यू। तो एक्सप्रेशन में जब आप आएंगे तो फिर वही कोहेरेंस, इसलिए मैंने आपको कोहेरेंस पहले बताया था, आप सिलेबस में भी देखे होंगे बट कोहेरेंस तो आपको शायद समझ में ना आया हो, और आया भी होगा तो अच्छी बात है। देखें कोहेरेंस, कोहेरेंस हम समझ चुके हैं पहले भी, अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके पीछे जाके देख सकते हो कोहेरेंस। और दूसरी बात है रिलीवेंस ऑफ आइडियाज़, कि आपसे जो पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड, आपको सचिन तेंदुलकर के बारे में पूछ रहा है तो आप फूलगोभी के बारे में नहीं बता सकते हो, यानी आपसे अगर पूछ रहा है ईंट के बारे में तो आप हथौड़े के बारे में नहीं बता सकते हो, अगर आपको पूछ रहा है माही के बारे में तो आप जाकर के किसी कैट के बारे में नहीं बता सकते। तो देयर मस्ट बी रिलीवेंस ऑफ आइडिया, तो ये आपका हो जाएगा 0.5 मार्क्स। उसमें एक्यूरेसी, एप्ट मीन्स उचित, एप्ट मीन्स उचित, जो वर्ड होना चाहिए एप्ट वर्ड, जैसे पोस्ट द लेटर में पोस्ट वर्ड होना ही चाहिए, अब क्या डालेंगे उसके जगह पे कि
पोस्ट ऑफिस, गो टू पोस्ट ऑफिस एंड पुट द लेटर इन टू द मेल बॉक्स, उतना ज़्यादा करने से अच्छा आप क्या करेंगे, पोस्ट द लेटर लिखेंगे। तो जब आप पोस्ट द लेटर लिखते हैं तो क्या हो गया, एप्ट वर्ड, उचित शब्द जो वहाँ है वो होना चाहिए और आपने लिखा। और दूसरी बात है स्पेलिंग रूल्स, तो स्पेलिंग और ये एक्यूरेसी मिला के आपको यहाँ पर नंबर मिलता है, और फिर आपको कोहेरेंस, रेलिवेंस ऑफ आइडियाज़ पर नंबर मिलता है, और फिर कंटेंट जो होता है ये सबसे बड़ी बात होता है, कंटेंट कि भाई ये स्टोरी किसके बारे में है, ये क्वेश्चन किसके बारे में, तो कंटेंट मेन पार्ट होता है, दैट इज़ द बॉडी, सो द बॉडी इज़ द मेन थिंग। ओके, दिस फॉर्मेट यू कैन टेक एज लाइक दिस। ओके, सो हेडिंग, ओके, कंटेंट, खाया पिया पचाया, सारा कंटेंट ही तो मेन चीज़ है, और फिर उसके बाद उसके अदर स्टेप्स। तो इस तरह से आप आर्टिकल लिखते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे, पहले तो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। मान लो आपको बुक के ऊपर लिखना हो तो आप कैसे शुरू करेंगे, बुक इज़ वेरी गुड फॉर नॉलेज, नहीं, बुक के बारे में आपको लिखना है तो आप क्या करते थे, इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ पेपर विथ प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन, पहले आप कह देते उसका डिफिनेशन देते थे, तो पढ़ने वाले को लगता है कि चलो बुक के बारे में सब कुछ इसे मालूम है। तो पहले आप ये बताएंगे कि टॉपिक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पे आप लिख रहे हो तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या, पहले ये बताओगे, फिर उसके इफ़ेक्ट्स वगैरह बताओगे। तो पहले हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेनेशन के बाद हम बॉडी में चले जाएंगे। एक्सप्लेनेशन एंड बॉडी को नंबर टू में रखो, पहले किस में चले जाएंगे, इंट्रोडक्शन। पहले तो हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें ना कि बुक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो भी आपसे पूछा गया है वो है क्या। सो पहले इंट्रोडक्शन, ओके, एंड देन एक्सप्लेनेशन, जिसमें ऑल डब्ल्यू एच क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, वेयर, हाउ, व्हाई, है ना। एंड देन थर्ड नंबर इज कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन में ही आप अपने कुछ विचार दे सकते हो, एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा अपने विचार ना दें, इंट्रोडक्शन में अपने विचार ना दें तो आपका नंबर कटेगा, कंक्लूजन में ही आप अपने विचार दे सकते हो, आपका पर्सनल जो हो सॉल्यूशन पार्ट वो। इसके बाद मैंने लिया है स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग में आप देखेंगे कि ये 10 नंबर के लिए आता है और आपका शुरुआत वहाँ दिया होता है, स्टार्टिंग इज गिवन ऑलरेडी, तो टाइटल एंड मॉरल पे आपको एक नंबर मिल जाता है, ठीक है, आधा आधा नंबर। कंटेंट पे 4 नंबर मिल जाता है आपको, और फिर एक्सप्रेशन यानी वही कोहेरेंस, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कोहेरेंस यानी आपने ठीक से उसकी संरचना बनाई कि नहीं, आपने स्टार्टिंग, क्लाइमैक्स, ओके, रेजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स एंड देन एंटी क्लाइमैक्स एंड सॉल्यूशन सारा दिया कि नहीं, तो वह एक कोहेरेंस बनता है, एक स्ट्रीम ऑफ कंसियसनेस बनता है, चेतना की प्रवाह आती है उसमें, जिससे आपका रीडर को संतुष्टि मिलता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि एक्सप्रेशन पे आपका ज़्यादा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, 5 मार्क्स। ओके, फिर आते हैं हम एक्यूरेसी पे, जैसे उसमें था एक्यूरेसी और एप्ट वर्ड, उचित वर्ड, स्पेलिंग करेक्शन वगैरह पे आपका यहाँ पे 2.5 मार्क्स दिया गया है, और फिर वैल्यू पॉइंट्स मिला करके आपके 2.5 रहता है, तो इधर 5 और इधर 5, 10 मार्क्स का आपका स्टोरी रहता है फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। अब हम आते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे, अगर ये पूछता है वैल्यू बेस्ड तो उसमें क्या रहेगा, कंटेंट पार्ट इसमें 4 मार्क्स का रहता है, तो आप हमेशा देखेंगे कॉन्टेंट ही ज़्यादा होता है, मेन बात भी कॉन्टेंट ही होता है, कॉन्टेंट ही नहीं है, मुख्य बात ही नहीं है तो कोहेरेंस तो कभी आ ही नहीं सकता। अब उसमें फ्लुएंसी, फ्लुएंसी क्या होगा, अगर आपका ग्रामर सही है तो फ्लुएंसी आएगी, फ्लुएंसी आएगी तो 2 नंबर आपको उसमें ऐड हो जाएगा। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए 2 नंबर आता है कि चलो आप टेंस वॉइस या पार्ट्स, पास्ट में, प्रजेंट में, जिसमें वर्णन कर रहे हो आपको टेंस आता है कि नहीं आता है। अच्छा, एक और बात यहाँ बता दें जो यहाँ पे नहीं है या कहीं पे आपको नहीं बताया जाता है, वो बात यह है कि अगर आपका ज़्यादा नंबर कट जाता है, मान लो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी 2 नंबर आपका कट जाता है, तो मान लो आपके 4 नंबर कट जाते हैं, और अगर आप एग्जामिनर से क्लेम करके पूछेंगे कि भाई मैंने तो ग्रामेटिकल मिस्टेक किया, ठीक है 2 नंबर कटा, तो फिर और 2 कैसे कट गया, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक जैसे ही आप करते हैं तो फ्लुएंसी टूट जाती है, ग्रामर का मिस्टेक होगा तो पढ़ने में बात क्लियर नहीं होगा तो फ्लुएंसी टूटेगी ना, फ्लुएंसी टूटेगी तो वो कॉन्टेंट पर भी असर करेगा। तो अगर आपका ज़्यादा नंबर कटता भी है और आप क्लेम भी करते हैं तो आपको वही वो एक्सप्लेन करके बताएंगे कि भाई या आपने ग्रामर एक्यूरेसी में गलती किया जिसकी वजह से फ्लुएंसी बिगड़ा, और फ्लुएंसी बिगड़ा तो कॉन्टेंट को भी उसने असर किया, तब वो यहाँ से भी नंबर काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं और यहाँ से भी काट सकते हैं, तो उससे हमें बचना होगा। कॉन्टेंट हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए, फ्लुएंसी उसमें होना चाहिए, और फिर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी तो होना ही चाहिए क्योंकि अब हम 10th में हैं और हमारा टेंस का लेवल क्लास 3 से स्टार्ट होता है कि चलो क्लास 3 में बेसिक टेंस सीख लिया, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6th में नहीं, 7th में नहीं, 9th तक,
नाइन्थ में भी नहीं तो टेंथ, तो ये मान के चलते हैं, वो आपको ये मान के चलता है एग्जामिनर कि आपको टेंस जनरल राइटिंग आती है, ठीक है, और ये मान कर के ही आपका कॉपी का वो एवोल्यूशन करता है। तो दोस्तों अगर ये बातें आप मन में रखेंगे तो आई थिंक दैट यू कैन गेट फुल मार्क्स इन आर्टिकल, स्टोरी राइटिंग, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड अदर राइटिंग इफ़ यू टेक केयर ऑफ, लेट मी टेक इट बैक, इफ़ यू टेक केयर ऑफ कोहेशन एंड कोहेरेंस, coherence and cohesion, otherwise cohesion versus coherence. So take care of coherence in every writing of yours, take care of coherence, this one, okay, coherence and cohesion, take care of cohesion also first, but our goal is to reach coherence. Cohesion is where, when we are collecting ideas, organizing ideas or drafting ideas, that goes to cohesion. What? Collecting, organizing and drafting, cohesion, and then after editing and reading, the final process is coherence. So ye sab karne ke baad last mein kya aata hai? Coherence. तो अगर आप कोहेरेंस वर्ड को दिमाग में रख करके सारा काम करते हैं कि आपका रीडर पढ़े, उसको स्ट्रीम ऑफ कंसियसनेस मिले, एक संतुष्टि मिले, और फिर से मैं रिवाइज़ कर दूं कि उसमें आपका आंसर जैसे उन्होंने क्वेश्चन बनाया है ऑथेंटिक, जैसे उसने क्वेश्चन बनाया रिलायबल, जैसे उसने क्वेश्चन बनाया वैलिड क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर, तो आपके आंसर भी ऑथेंटिक, रिलायबल एंड वैलिड होना चाहिए। तो मित्रों अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे देन यू विल गेट फुल मार्क्स इन राइटिंग। थैंक यू।